Welcome back guys, my YouTube channel Unique English Academy. I will teach you about person in this video. Let's start the video. Person हमारे तीन प्रकार के होते हैं, first person, second person और third person. First person में हमारे I और be आते हैं. तो सबसे पहले हम I की बात करते हैं. I means मैं. इसका object देखते हैं. I का object होता है me, मुझे या मुझको, और I का relative होता है my या माइन, मेरा, मेरी, मेरे. एग्जाम्पल देखते हैं, वह मेरी किताब है, डैट इज माई बुक. नेक्स्ट देखते हैं बी. बी मीन्स होता है हम. बी का ऑब्जेक्ट है अस, हमें या हमको. रिलेटिव है इसका आवर या आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे. एग्जाम्पल देखते हैं, यह हमारी गाय है, दिस इज आवर काउ. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पर्सन. अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की. सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक ही होता है, यू, तुम या आप. इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तुम्हें या तुमको, आप या आपको. योर या योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके. वह आपका भाई है, इज दिस, सॉरी, वह आपका भाई है, इज डैट योर ब्रदर. वह आपका भाई है, इज डैट योर ब्रदर. अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की. थर्ड पर्सन में हमारे ही, सी, दे, इट और नाम आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ही की. ही मीन्स होता है वह. ही को सिर्फ हम पुरुष के लिए यूज करते हैं. ही, वह, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, उसे या उसको. रिलेटिव का होता है हिज या हिजिज, उसका, उसकी, उसके. एग्जाम्पल देखते हैं, यह उसका पेन है, इट इज हिज पेन. यह उसका पेन है, इट इज हिज पेन. नेक्स्ट देखते हैं सी. सी मीन्स होता है बह. ही माने भी बह होता है और सी माने भी बह होता है. ही हम पुरुष के लिए यूज करते हैं और सी स्त्री के लिए यूज करते हैं. इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, उसे या उसको. हर, हर्स, उसका, उसकी, उसके. वह उसकी गुड़िया थी, डैड वॉज हर डॉल. डैड वॉज हर डॉल. नेक्स्ट देखते हैं दे. दे मीन्स होता है बे. इसका ऑब्जेक्ट होता है देम, उन्हें या उनको. देयर, देयर्स, उनका, उनकी, उनके. एग्जाम्पल देखते हैं, वे उनकी कारें हैं, दोज आर देयर कार्स. दोज आर देयर कार्स, वे उनकी कारें हैं. इट, इट मीन्स होता है यह. इट, इसे या इसको. इट या इट्स, इसका, इसकी, इसके. एग्जाम्पल देखते हैं, यह चार पैर रखती है, इट हैज फोर लेग्स. इट का यूज हम सिर्फ जानवर और बेजानदार चीजों के लिए करते हैं. तो यहाँ पर यह चार पैर रखती है. मान लो एक कुर्सी है तो उसके चार पैर हैं. तो कुर्सी क्या है? बेजानदार चीज है. और हम इट का यूज जो है वो बेजानदार या जानवरों के लिए या पक्षियों के लिए करते हैं. तो इट हैज फोर लेग्स. नेम, अगर किसी का नाम आता है तो हर जगह नाम का नाम ही रहेगा. अगर इसका एग्जाम्पल हमें बनाना हो, जैसे वह रामू की किताब है, दैट इज रामूस बुक्स. तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस रामू के नाम में लग जाता है.